विद्या। जय भीम साथियों, हम इस वक्त येवला नासिक में है। आज 13 अक्टूबर 2022 है। यहीं पर बाबा साहब ने 13 अक्टूबर 1935 को बाबा साहब ने प्रतिज्ञा ली थी, कसम खाई थी कि मेरा जन्म हिंदू धर्म में जरूर हुआ था लेकिन मरूंगा नहीं हिंदू बन करके। और उन्होंने 14 अक्टूबर को पूरा भी किया दीक्षा बुमलापुर में। 14 अक्टूबर सन 1956 को बाबा साहब ने दीक्षा बुमलापुर में वो प्रतिज्ञा पूरा भी की। और यहाँ पर देखिए काफ़ी संख्या में हम उपासक आए हैं, दूर दराज से आए हैं, अलग अलग जिले से आए हैं। यहाँ पर हम दिखा रहे हैं आपको, यही जगह है जो 13 अक्टूबर 1935 को बाबा साहब ने बहुत बड़ी प्रतिज्ञा ली थी, उस प्रतिज्ञा को पूरा किए। यहाँ पर देखिए समता सैनिक दल के भी हैं और भी तमाम उपासक हैं। हम इसकी पूरी ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। इस हाल में बाबा साहब के तमाम तस्वीर रखे हुए हैं, कहाँ कहाँ क्या क्रांति किए हैं उसके बारे में कुछ जानकारी भी हम लेंगे, आप लोग को बताएंगे भी। यहाँ पर देखिए हम उपासका भी हैं हमारे सामने मौजूद, और ये लोग कहाँ से आए हैं अभी कुछ लोगों से यहाँ जानकारी लेकर के आप तक पहुँचाऊँगा। और ये बहुत ही क्रांति जगह है, यहाँ पर बाबा साहब ने जो भी प्रतिज्ञा अपनी पूरी की 13 अक्टूबर 1935 को। हम यहां पर येवला में हैं, यहीं पर बाबा साहब ने 13 अक्टूबर 1956 को बहुत बड़ी कसम खाई थी, प्रतिज्ञा ली थी, उस प्रतिज्ञा को 14 अक्टूबर को 1956 को बाबा साहब ने पूरा भी किया था करीब 21 साल बाद। और यहां पर देखिए काफ़ी धम्म उपासक दूर दराज से आए हैं, यहां के कुछ धम्म उपासक से उपासिका से हम जानकारी भी लेते हैं, यहाँ के येवला के बारे में हम जानकारी अभी लेते हैं, से जानकारी लेना चाहते हैं। इस येवला जो नासिक में पड़ता है, यहीं पर बाबा साहब ने 13 अक्टूबर 1935 को बहुत बड़ी कसम खाई थी, और उस कसम को 14 अक्टूबर 1956 को दीक्षा भूमि नागपुर में बाबा साहब ने पूरा भी किया। तो इसके बारे में थोड़ा सा हमें जानकारी दीजिए। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है, आप लोग कहाँ से आए हैं, क्या नाम है और इसके बारे में जानकारी दीजिए। जय भीम। जय भीम। हम सब उपासक उपासिका औरंगाबाद से आए हुए हैं, और यहाँ पे जो डॉक्टर बाबा साहब ने 1935 में जो संकल्प किया कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ लेकिन मरूंगा नहीं, और उसके बाद में जो हुआ वो 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने जो संकल्प किया था उसको पूरा किया। और आप बोलिए वो रिकॉर्डिंग और बस हो गया। आप बोलिए सर। हमारा जो इतना परिवार है बंथे जी कहाँ मिलेंगे? औरंगाबाद से आया है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संकल्प लिया था कि मैं की हिंदू धर्म में जन्म लिया हूँ, जन्म लेना मेरे हाथ में है लेकिन मृत्यु मेरे हाथ में नहीं है, इसलिए मैं क्या किया कि जन्म मृत्यु जन्म लेने के बाद, जन्म तो मेरे हाथ में नहीं था लेकिन मृत्यु मेरे हाथ में है, तो मृत्यु से पहले उन्होंने 1956 में औरंग नागपुर दीक्षा भूमि में उन्होंने धर्मांतर दीक्षित किया, ये उनका भावना संकल्प कंप्लीट कर दिया। जय भीम। जय भीम। नमो बुद्ध।